विधानसभा के चुनाव होंगे, जब इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम की दुआओं की वजह से कामयाब और कामरान होकर मजलिस के हरे परचम को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी अहम बात कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मजलिस भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है, जिसके कन्वीनर हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। और इस भारत संकल्प मोर्चा में और भी दीगर जमातें हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, अकलियतें हैं, मुसलमान हैं, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश में मजलूमों के हक के लिए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर आए हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है मेरे जी दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलूम आवाम को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, मजलूम आवाम को उनका जायज मुकाम हासिल होना चाहिए, मजलूम आवाम को उनके बच्चों को उनकी बेटियों की तालीम का इंतजाम होना चाहिए, उनके लिए स्कूल और कॉलेज और अस्पताल का काम लगाना चाहिए। और याद रखिए कि आपने हमेशा वोट डालने का काम किया है, आपने कभी भी वोट देने का काम नहीं किया है। आज मजलिस आपसे आकर ये कह रही है कि बिहार की उस सीमांचल की सबसे पसमानदा सरजमीन पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने 5 अराकीन असेंबली को कामयाब किया, तो मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की इस अय्यूरों की सरजमीन पर या बहादुरों की सरजमीन है इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और संकल्प मोर्चा कामयाब होगा। अब हम वोट डालेंगे तो अपनी पार्टी को, अपने संकल्प मोर्चा को उम्मीदवार को वोट डालेंगे। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब और कामरान करेंगे, उसको हमारी आवाज बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाएंगे। और वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहम करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम आवाम अकलियतों का कोई आवाज नहीं है और मुस्लिम के इफ्तार की दावत करने से, उनको खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे, मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। ये सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सत्तार माओ बहनों, आज उत्तर प्रदेश में कोविड से लाखों लोगों की मौत हुई है। गंगा के ऊपर गरीबों की लाशें बह रही थी, नदी के किनारे लाशों को कुत्ते नोच कर खा रहे थे, लोगों आवाम को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा था। आज जो बेवा हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ ओम प्रकाश राजभर के भारतीय संकल्प मोर्चा की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का मुकाबला होगा तो उन बेवाओं से होगा जिसकी हुकूमत ने उनको बेवा बना दिया कोविड के सेकेंड वेव में, उन बच्चों से होगा जो यतीम हो गए, जो बीजेपी की सरकार ने उनके माँ बाप को बचाने का काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिनको इस हुकूमत ने यतीम बना दिया। उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी का मुकाबला होगा उन नौजवानों के साथ जिनको 4.5 साल में बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज बीजेपी का मुकाबला इन तमाम लोगों से होगा
ये मीडिया के कर्तव्य के सदस्य अवैसी की शख्सियत को सामने रखकर योगी का मुकाबला किया जाए। असदुद्दीन अवैसी एक शख्स का नाम नहीं है, असदुद्दीन अवैसी की समाज उन बेवाओं के इंसाफ के लिए उठेगी। असदुद्दीन अवैसी की समाज उन बच्चों को जिनको यतीम बना दिया गया उन यतीमों के इंसाफ के लिए उनकी आई उठते रहेगी। असदुद्दीन अवैसी की आवाज एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि उनके यूथ नौजवानों के खाबों को उनकी उम्मीदों को पूरा करने का नाम हमने सज्जाद और मुस्लिम है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और मजलिस का साथ दीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आकर मुझसे कह रहे हैं कि मजलिस वोट किधर चलती है बताओ, मैं 2014-19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं ला, तुम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके, तो नाकामी और नाहली तुमने। हम तुमसे कह रहा है, कहना चाहते हैं कि संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंसान साहूदाना उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी हुकूमत को शिकस्त देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मुस्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत करिए और जो उम्मीदवार आपके सामने होगा उसको कामयाब करिए। मैं आखिर में आपसे एक और अपील करना चाहूंगा कि यहां पर जितने लोग मौजूद हैं, कितनों ने वैक्सीनेशन लिया है कोविड का? आप बताइए, एक लिया या दो लिया आपने? यही तो मसला है योगी आदित्यनाथ से, दो वैक्सीन देना है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% लोगों को दो वैक्सीन लगाए। हम योगी आदित्यनाथ से कहना चाह रहे हैं कि पहले वैक्सीन दिलाइए, उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाइए। पहले आपकी नाकामियों और नाहली की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि वैक्सीन लीजिए और अपनी जान को बचाइए और मजलिस को संकल्प मोर्चा को मजबूत करिए। ये शुरुआत है।